नमस्कार वेलकम टू मीनाक्षी किचन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आज मैं शेयर करूंगी भंडारे वाली कड़ी और चावल की रेसिपी इसको बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे पकोड़े पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप बेसन और जिसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई एक कप पालक बारीक कटी हुई ये पकोड़े हम बिना प्याज के बनाएंगे क्योंकि हम भंडारे के लिए बना रहे हैं तो बेसन में हम धनिया हरी मिर्च और पालक डाल देंगे ये पकौड़े हम बिना प्याज के बना रहे हैं तो प्याज ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर हम अब मैं इसमें ऐड करूँगी वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा मीठा सोडा ऐड करने से पकौड़े हमारे सॉफ्ट बनेंगे नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा मसाले इसमें हम ऐड नहीं करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम बहुत कम पानी डालकर थोड़ा सा हार्ड बैटर तैयार कर लेंगे पालक के पकौड़ों का बैटर थोड़ा सा हार्ड घी बनता है दूसरे पकौड़ों के अकॉर्डिंग तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं इसमें पानी पानी इसमें हम कम ही ऐड करेंगे कड़ी के लिए पालक के पकौड़ों का बैटर हमारा तैयार हो गया है थोड़ा सा बैटर इस तरीके से हाथ में लेकर इसकी छोटी सी एक बॉल बना लेंगे इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए इस तरीके से एक बॉल बनाकर इसको हम फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे तो जितनी एक बार में आ जाएंगी हम डाल देंगे और इन पकौड़ों को हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इनको हम पलट देंगे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको हम फ्राई करेंगे तो ये पकौड़े मेरे फ्राई हो गए हैं देखिए मैंने निकाल लूँगी एक प्लेट में और इस तरीके से बाकी बचे पकोड़े भी हम बना लेंगे तो ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप बेसन और ली है मैंने डेढ़ कप दही मैंने खट्टी दही यूज़ करी है तो पहले हम बेसन में डालेंगे पानी और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे आप चाहें तो स्पून से विस्कर से या ब्लेंडर से किसी से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं मैं ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूंगी अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कर लेंगे इसको भी अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो मैंने यहाँ पर दही के बोल में पानी डाल दिया वही पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक बार इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो कड़ी बनाने के लिए दही और बेसन का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है अब हम कड़ी बनाना शुरू करते हैं कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल अब मैं इसमें डाल रही हूँ चौथा चम्मच हींग दो तेज पत्ते डाल देंगे दो छोटी इलायची एक टुकड़ा दालचीनी का एक चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरा एक चम्मच डालेंगे साबुत धनिया आधा चम्मच डालेंगे दाना, गैस को बिल्कुल लो हीट पर रखेंगे मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए और इनको एक मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे चला लेंगे इसे एक बारी अब मैं इसमें डालूंगी तीन से चार साबुत लाल मिर्च आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर इसे मिक्स कर लेंगे एक बारी एक छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च और नॉर्मल मिर्च दोनों मिक्स करके यूज़ किए हैं कश्मीरी मिर्च से अच्छा कलर आएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी तो मैं पहले करीबन आधा लीटर पानी इसमें डाल दूँगी पानी डालने के बाद गैस को तेज आंच पे कर देंगे अब इसमें हम बेसन और दही का घोल भी डाल देंगे जो हमने बनाकर रखा है एक उबाल आने तक इसे हम चलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फट ना जाए तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड करूँगी तो करीबन आधा लीटर पानी में इसमें और डाल दूंगी तो मैं इसे लगातार चला रही हूँ ताकि दही हमारी फट ना जाए एक उबाल आने पर हम गैस को स्लो कर देंगे तो ये देखिए इसमें बाल आने लग गया है मैं गैस को स्लो कर दूंगी और स्लो गैस पे मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये पक जाए अच्छे से कट जाए हमारी कड़ी और चलाते रहेंगे इसे बीच बीच में तो ये देखिए कड़ी हमारी उबल रही है इसे हम पकने देंगे करीबन बीस से पच्चीस मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये कड़ जाए तो जब तक हमारी कड़ी बॉयल हो रही है तब तक हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर लिए हैं डेढ़ कप चावल इनको मैं धो लूँगी अच्छे से दो से तीन बारी उसके बाद मैं इसको पीने के पानी में भिगो दूँगी तो ये चावल मैंने धो लिए अच्छे से और इसको मैंने पीने के पानी में भिगो दिया इसको हम आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे तो कड़ी को उबलते हुए करीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं एकदम थिक हो गई है ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पकोड़े जो हमने बना कर रखे हैं कड़ी में पकोड़े डालने के बाद कड़ी को हम 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि पकोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसे बॉयल होने दूँगी तो जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है तब तक हम बना लेंगे चावल चावल को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया है तो चावल बनाने के लिए मैंने एक बर्तन रख दिया है गर्म करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे एक टी स्पून ऑयल जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे पानी तो हमने डेढ़ कप चावल लिए थे तो इसमें हम डाल देंगे तीन कप पानी जितने चावल उसका डबल पानी इसमें हम डाल देंगे और पानी को हम उबलने देंगे गैस को तेज आंच पर रखेंगे जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें हम डाल देंगे चावल तो चावलों का पानी निकाल कर इसमें हम डाल देंगे और इसे उबलने देंगे जब चावलों में थोड़ा सा ही पानी रह जाए तब हम गैस को स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे से हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे मैंने इन चावलों में नमक ऐड नहीं किया है आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं भंडारे वाले चावल नमक के बिना ही बनते हैं तो मैंने उस तरीके से इनको बनाया है तो ये देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं थोड़ा सा ही पानी रह गया है इसके अंदर अब हम गैस को स्लो करके ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा इसे हम पकाएंगे दस से पंद्रह मिनट के लिए चावलों को गैस पर रखे हुए करीबन पंद्रह मिनट हो गए हैं इसका ढक्कन हटाकर एक बार हम चेक कर लेंगे एक बार इनको हल्के हाथ से चला लेंगे और एक चावल का दाना लेकर उसको हम दबा कर देखेंगे कि गल गया है कि नहीं तो ये चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं सॉफ्ट हो गए हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हम कड़ी को चेक करेंगे तो देखिए कड़ी हमारी तैयार हो गई है काफ़ी थिक हो गई है कड़ी का गैस भी हम बंद कर देंगे और इन दोनों को हम गर्मा गर्म परोसेंगे तो तैयार है हमारी भंडारे वाली कड़ी और चावल जिसको हमने बिना प्याज और लहसुन के बनाया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें सब्सक्राइब करने के बाद आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे